टॉपलेस फोटो को लेकर विवाद में आई थी श्रिया सरन। जाने फैक्ट्स। साउथ फिल्मों की एक्ट्रेस श्रिया सरन आज अपना 37वां जन्मदिन मना रही हैं। वैसे तो श्रिया ने बॉलीवुड की कुछ ही फिल्मों में काम किया है, लेकिन साउथ फिल्म इंडस्ट्री में उनकी गिनती सुपरस्टार्स में की जाती है। बॉलीवुड में और साउथ में भी दोनों में ही श्रिया ने अपना नामा कमाया है। आज हम आपको उनके जन्मदिन पर बताने जा रहे हैं कुछ बातें और कुछ खास विवाद। पहले बता दें, श्रिया का जन्म 11 सितंबर 1982 को देहरादून में हुआ था। उनका बचपन हरिद्वार में गुजरा है। उन्हें बचपन से ही डांस में रुचि थी। वैसे तो वे अपना करियर डांस में ही बनाना चाहती थी, लेकिन किस्मत उन्हें फिल्मों में ले आई। डांसर बनने की ख्वाहिश रखने वाली श्रिया को कॉलेज के दिनों में एक गाने के वीडियो में काम करने का मौका। इस वीडियो का शूट बनारस की गलियों में किया गया था। इस वीडियो को देखकर ही रामोजी फिल्मसन ने उन्हें इष्टम फिल्म में काम करने का ऑफर दिया था। हालांकि इस फिल्म के रिलीज होने से पहले ही श्रिया ने 4 से 5 फिल्मों को साइन कर दिया था। साउथ में उनको पहचान फिल्म शिवाजी 2007 से मिली। श्रिया का नाम वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर ड्वेन ब्रावो के साथ भी जुड़ चुका है। बॉलीवुड में वो अजय देवगन के साथ दृश्य में नजर आई थी, जिसमें उन्हें काफी पसंद किया गया था। फिल्मों के अलावा कई ब्रांड के लिए भी काम करने वाली श्रिया एक फैशन मैगजीन के लिए टॉपलेस फोटो शूट करवा चुकी हैं। जब मैगजीन मार्केट में आई तो उन्होंने यह कहा था कि वे इस मैगजीन के कवर पर नहीं है। मैगजीन ने उनके फोटो के साथ छेड़छाड़ की है, जबकि मैगजीन के कवर पर साफ तौर पर श्रिया ही नजर आ रही थी। बता दें कि 2011 में उन्होंने मुंबई में एक स्पा खोला था। इस स्पा का नाम श्री स्पा है। सीएम के सामने छोटी शॉर्ट ड्रेस में जाने पर हुआ था बवाल। श्रिया की शॉर्ट ड्रेस को लेकर एक बार विवाद भी हुआ था। दरअसल फिल्म शिवाजी द बॉस के सिल्वर जुबली फंक्शन में श्रिया दने शॉर्ट डीप नेक वाली सफेद रंग की ड्रेस पहनी थी। इस समारोह में तमिलनाडु के पूर्व सीएम करुणानिधि और गेस्ट मौजूद थे। जब श्रिया इस शॉर्ट ड्रेस में सीएम के सामने गई तो बवाल हो गया था। राजनीतिक लोगों ने श्रिया की छोटी ड्रेस को लेकर कड़ी आपत्ति जताई थी। इसके लिए अभिनेत्री को माफी भी मांगनी पड़ी थी।